आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। रीवा में आज एक बार फिर एक मरीज की जान बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। यहां दूसरी मर्तबा है जब किसी मरीज को शिफ्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके पहले सिंगरौली जिले के एडीजी को दिल्ली भेजने के लिए अस्पताल से हवाई पट्टी तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिसके बाद आज एक बार फिर अस्पताल में भर्ती एक डॉक्टर की मां को हवाई पट्टी तक ले जाने के लिए शहर में 9 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। दरअसल आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 53 वर्षीय बुजुर्ग महिला श्यामवती सोनी को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जिनके लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र जुटा हुआ है। यातायात डीएसपी मनोज वर्मा को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कमान सौंपी गई, जिसके चलते संजय गांधी अस्पताल से चुराहटा हवाई पट्टी तक एक मार्ग को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। एम्बुलेंस के लिए जो मार्ग बनाया गया उसमें प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, टीआरएस चौराहा, जयस्तंभ चौक, विक्रम पुल होते हुए पड़रा में निकाला गया, जिसके बाद एम्बुलेंस चुराहटा हवाई पट्टी पहुंची है। आपको बता दें कि श्यामवती सोनी सर्जरी विभाग के चिकित्सक डॉक्टर अनुज कुमार सोनी की माता है, जिनकी हालत खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, श्यामवती सोनी जी हैं और उनके अंबु सोनी और अनुज सोनी जी हैं, दो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ, एक उनमें से अंबु सोनी जी SGMH में ही जॉब करते हैं, एक अनुज सोनी है जो MD हैं वहाँ बाहर। उनकी माता जी का यहाँ काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहे, श्रीमती श्यामवती सोनी जी, तो ये लोग उनको एयरलिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे प्रशासन के लोगों ने, मतलब तहसीलदार साहब और DSP साहब ट्रैफिक के, और दोनों हमारे सूबेदार साहब दिलीप जी और राकेश जी, इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है जो पिछले बार हुई थी, उसी तरह से इनको यहाँ से एयर अपनी हवाई पट्टी तक ले जाकर वहाँ से एयरलिफ्ट करने का प्लान है।